सकते। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि सिर्फ एक शख्स ही है जो बचता है उन ज़ॉम्बी से, जिसका नाम मार्टिन होता है। वो अपनी जान बचाकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसकी जेब से एक कॉइन गिर जाता है। ठीक उसी वक्त हर्ज़ोग भी वहां पर पहुंच जाता है, जो गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। हर्ज़ोग गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है, और साथ ही बहुत सारे और ज़ॉम्बी वहां पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी को वहां से भगाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को बहुत तेजी से लेकर जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं सिवाय हर्ज़ोग के। हर्ज़ोग उसकी गाड़ी पर लटका रहता है। फिर वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। जैसे ही वो ट्रक मार्टिन की गाड़ी के पास पहुंचता है, हर्ज़ोग को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इस हादसे में हर्ज़ोग का हाथ कट जाता है और वो हाथ कटकर मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। ट्रक का ड्राइवर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो हालात को जानने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है। हर्ज़ोग उसके साथ कुछ अजीब ही करता है। वो अपनी 3 फिंगर्स की मदद से उसको जान से मार डालता है। उसके बाद हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स की तरफ आता है और उनको हुक्म देता है कि सब लोग आबादी की तरफ चले जाएं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मार्टिन, जो गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता है, और इस दौरान उसे गुनौतगी का एहसास होता है। उसे नींद के झोंके आने लगते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी उसे बेकाबू हो जाती है और क्रैश हो जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि अब वो हॉस्पिटल। उसके बाद मार्टिन के पास कुछ पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते और उसे कुछ सवाल करना शुरू कर दे। मार्टिन उन सारी बातों का जवाब देता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते। और मार्टिन के साथ बैड लक ये होती है कि उन सब लोगों के मर्डर का जुर्म वो मार्टिन पर डाल देते और सारा इल्जाम मार्टिन पर आ जाता है। उसके बाद जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाता हूं। वो ये है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो हमें तुम्हारी गाड़ी में मिल गए, जिसको हमने तुम्हारे बाजू के साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर मार्टिन अपने हाथ की तरफ देखता, तब उसे पता चलता है कि वो उसका हाथ नहीं है बल्कि वो हर्ज़ोग का हाथ। ये देखकर वो उन डॉक्टर्स को बताता है कि ये उसका हाथ नहीं है, और जैसे ही ये बात वो कर रहा होता है उसका हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और साथ ही वो उन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और काफी डॉक्टर्स को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मार्टिन को पकड़ते हैं और उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। और साथ ही हर्ज़ोग और उसकी टीम जो कि पॉपुलेशन में दाखिल हो गए थे, वो एक घर में दाखिल होते हैं और वहां पर रहने वालों को मार देते हैं, क्योंकि हर्ज़ोग का हाथ भी कटा होता है। और वो अपने नौजिस ज़ॉम्बी डॉक्टर से अपने हाथ का ऑपरेट करवाता है और अपने हाथ को जुड़वाता है, और वो हाथ मार्टिन का होता है जो कि कट के वहां बर्फ में गिर गया था, जो अब इन लोगों को मिला था, और वो हर्ज़ोग के साथ जोड़ देता है। हर्ज़ोग में इतनी पावर्स थी कि वो भी हाथ को उसके बाजू के पास लेकर ही जाता है, तो वो खुद ब खुद आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद वो जाते हैं एक कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में जहां पर वो जर्मन सोल्जर दफन। हर्ज़ोग उनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तब उनका डॉक्टर हर्ज़ोग को बताता है कि इन कब्रों में पड़े मुर्दों की लाशें काफी पुरानी हैं, जो गल सड़कर खत्म हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि ये लोग दोबारा जिंदा हों, तो इसके लिए हमें फ्रेश डेड बॉडीज, यानी जो लोग अभी अभी मरे। ये सुनते ही हर्ज़ोग एक चर्च में जाता है। वहां एक आदमी होता है जिसका नाम प्रीस्ट होता है, वो उसे भी मार देता है। और जैसे ही वो मर जाता है, हर्ज़ोग उसके चेहरे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और वो भी उसके सोल्जर में शामिल हो जाता है, यानी अब वो भी उसका एक स्लेव होता है। इस बात से जाहिर है कि हर्ज़ोग काफी पावर्स का मालिक था। मार्टिन को हम देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर होता है, और उसको बेड से काफी टाइट बांधा होता है। उसके साथ बाहर एक पुलिस वाला भी होता है जो सो रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहां पर एक बच्चा आता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो दरअसल अमेरिकन ट्रैवलर होता है। वो देखता है पुलिस वाला सो रहा है, इस बात का फायदा उठाते हुए वो मार्टिन के रूम में चला जाता है। वहां उसकी नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ पर पड़ती है, जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। वो उस हैंड की पिक्चर को खींचता है और उस पिक्चर को ज़ॉम्बीज हंटर, जिन्हें ज़ॉम्बी स्क्वाड भी कहा जाता है, यानी जो ज़ॉम्बीज का शिकार करते हैं, उनको सेंड कर देता है। उन ज़ॉम्बी स्क्वाड का ताल्लुक अमेरिका से था, जिनका प्रोफेशन ही ज़ॉम्बीज का शिकार करना था। मार्टिन उस बच्चे को किसी किस्म का लालच देता है, उसे बांधा होता है और वो उसे आजाद हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि पुलिस वाला है, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सकता। उसके बाद हर्ज़ोग का हाथ एक अजीब काम करता है, उस बच्चे बॉबी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। ये देखकर मार्टिन भी उसके पीछे जाता है और बच्चे को जाकर देखता है, लेकिन बच्चा बेहोश होता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, उसकी चेस्ट को प्रेस करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेस करता है कि उसकी सारी चेस्ट क्रैश हो जाती है और हड्डियां टूट जाती है। ये सब कुछ उस हाथ की वजह से हुआ था, क्योंकि वो काफी पावरफुल था। ये सब कुछ वो पुलिस वाला उस खिड़की से देख रहा होता है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि बॉबी को मार्टिन ने मार दिया है। उसका अंदाजा सही भी था। मार्टिन वहां से भाग जाता है और पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है, लेकिन उसके हाथ ने यहां पर एक और उल्टा काम कर दिया था। वो ये था कि वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई। मार्टिन एक मर्सिडीज के पास जाता है, वो एक गाड़ी का लोगो टाइप उतारता है और उस पुलिस वाले की तरफ फेंकता है, और वो लोगो टाइप पुलिस वाले के सर में जाकर लगता है, जो कि बुरी तरह खुब जाता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो हाथ एक गाड़ी का शीशा खुद तोड़ देता है, गियर लगाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है, क्योंकि मार्टिन भी गाड़ी के अंदर होता है। उसके पास बॉबी का फोन रह जाता है, जिस पर ज़ॉम्बी स्क्वाड कॉल करते हैं। मार्टिन उन ज़ॉम्बी हंटर से बात करता है और उन ज़ॉम्बी की सारी कहानी उनको बता देता है। इसके जवाब में वो लोग मार्टिन को कहते हैं कि हम लोग उसकी मदद करने नॉर्वे से आ रहे हैं, तब तक तुम इस बात का पता लगाओ कि उन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है, कि इस सब बर्बादी के पीछे वो क्या चाहते हैं। उन ज़ॉम्बी सेंटर का लीडर डैनियल होता है, इसके साथ उसकी दो असिस्टेंट्स होती है, जिनका नाम मोनिका और ब्लेककॉम होता है। वो दोनों नर्स होती है। इन लोगों को देखने के बाद यहां पर एक बात तो तय थी कि अब मार्टिन का बचना मुमकिन नहीं। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो लोग नॉर्वे पहुंच जाते हैं और मार्टिन की लोकेशन का पता चल जाता है। वो उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ असला खरीदते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज से लड़ा जा सके, और वो हथियार उन ज़ॉम्बीज को मारने में उनके काम आए। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में जाता है। वहां पर एक आदमी होता है जो कि उस जगह का क्लर्क होता है, और वो उस क्लर्क से हर्ज़ोग के बारे में पूछता है। मार्टिन काफी देर उसे पूछता रहता है, लेकिन वो क्लर्क उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वो प्यार से नहीं मानता तो मार्टिन अपने हाथ की मदद लेता। उसके बाद वो क्लर्क हर्ज़ोग के बारे में बताने पर राजी हो जाता है। वो सबसे पहले हर्ज़ोग की हिस्ट्री सुनाता है। उस हिस्ट्री को सुनने के बाद उसको पता चलता है कि हिटलर, जो कि उन ज़ॉम्बीज का सरदार था, उसने हर्ज़ोग को एक टास्क दिया था।
उस टास्क में उसने एक गांव को खत्म करना था जिसका नाम एल्विक होता है। लेकिन वो लोग एल्विक में जाते उससे पहले ही ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उनको मार डाला। इस बात से मार्टिन अंदाजा लगाता है कि ये सब कुछ वो अपने ऑर्डर को जो उन्हें हिटलर की तरफ से मिला था उसे पूरा करने जाते हैं। उसके पास एक मैप पड़ा होता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो गांव जिसका उन्हें ऑर्डर दिया गया था ये म्यूजियम बिल्कुल उसके दरमियान में आता है। वो अभी मैप को देख रहा होता है कि उसे बाहर से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर हर्ज़ोग होता है जो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने साथ कुछ टैंक्स भी लेकर आता है। वो लोग वहां पर मौजूद लोगों को मारकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं। वो एक आदमी को पकड़ते हैं, उसकी सारी पसलियां बाहर निकाल देते हैं। हर्ज़ोग उस म्यूजियम में दाखिल हो जाता है और मार्टिन और वहां का क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान उठाकर वहां से भागते हैं और उस म्यूजियम में ही छुप जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां पर एक डमी बनकर खड़े हो जाते हैं। हर्ज़ोग की नजर उसी मैप पर पड़ती है। वो नेक को उठाता है, उस मैप को लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद मार्टिन भी बाहर आता है। वो देखता है कि 2-3 ज़ॉम्बीज बाहर फिर रहे हैं। यहां पर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और एक एक करके बड़ी आसानी से वो सबको मार देता है। इस दौरान उसका एक हाथ उसी आदमी पर लग जाता है जो मरा होता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। ये देखकर मार्टिन काफी डर जाता है और वो उसे फिर से मार देता है। यहां पर उसको पता चल जाता है कि अब वो भी काफी पावर्स का मालिक है, कि अब वो भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और ये सोचते हुए वो उस आदमी को फिर से जिंदा करता है। ठीक उसी वक्त एक कुल्हाड़ी आती है और उस आदमी के सर पर लग जाती है जिससे वो मर जाता है। और ये कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हंटर डैनियल ने मारी और उसके बाद वो उसकी पिक्चर बना लेता है। ये देखकर मार्टिन खुश नहीं होता कि उसकी उम्मीदें काफी बड़ी थी। उसके बाद मार्टिन अपने हाथ की पावर दिखाता है और दोबारा उस आदमी को जिंदा करता है। ये देखकर डैनियल उसको कहता है कि तुम अपनी एक आर्मी बनाओ और साथ ही वो ये भी बताता है कि कुछ रशियन सोल्जर्स को हर्ज़ोग ने मरवा दिया था जिनकी लाशें बर्फीले इलाकों में दफन है। वो मार्टिन को कहता है कि तुम उनकी डेड बॉडीज को दोबारा जगा दो जिसकी वजह से उनकी एक आर्मी बन जाए और फिर हम भी हर्ज़ोग से बदला ले सकते। मार्टिन इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपने मिशन यानी उन डेड बॉडीज को जिंदा करने के लिए चल पड़ते हैं और साथ ही मोनिका ब्लैक और ग्लेन को हर्ज़ोग के लिए छोड़ जाते हैं कि वो उसका पहरा देंगे, कि वो लोग हर्ज़ोग का टाइम बताएंगे ताकि उन लोगों को अपने मिशन पूरा करने में मजीद वक्त मिल सके। हर्ज़ोग अपने टैंक लेकर आगे आगे बढ़ रहा था और उसके सोल्जर उस पॉपुलेशन में लोगों को मार रहे थे और अपने साथ शामिल कर रहे थे। मोनिका और ब्लेक को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम दोनों में से उन ज़ॉम्बीज में से एक को यहां पर लेकर आएगा जिसके पीछे बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे और दूसरे का काम होगा उन सब ज़ॉम्बीज को बम से उड़ा देना। लेकिन इसके लिए हमें वही शख्स दरकार होगा जो इस जगह को जानता हो, यानी ये काम हमारे लिए रिस्की है इसलिए हमें ऐसे शख्स की जरूरत है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो ग्लेन था। वो उन ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है और उन्हें अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है लेकिन हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स को उसके पीछे जाने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह वो उनको अपने पीछे ले आता है और मोनिका और ग्लेन अपने प्लान के मुताबिक उनको उड़ा देती है। ये सब करके वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हर्ज़ोग अपना बदला लेता है। वो अपना टैंक उन तीनों की तरफ करता है और फायर करना शुरू करता है। वो काफी मरतबा गन उनकी तरफ करके शूट करता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि वो लोग मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की कार वहां पर फंस जाती है। अब उनको कार निकालना थी जिसकी वजह से उन्हें टायर को मदद देनी थी और उसके नीचे कुछ रखना था। यहां पर उन्हें ख्याल आता है कि वो जो चीज वहां पर रखेंगे वो वही ज़ॉम्बी होगा और अपनी सोच के मुताबिक वो उसको वहां पर रखते हैं और उनकी कार आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन डेड बॉडीज दफन थी। उसके बाद वो हाथ अपना काम करना शुरू करता है और एक एक करके सारे रशियंस बाहर आ जाते हैं। इसके साथ में मार्टिन को इस बात का भी डर हो रहा था कि अगर उन रशियन बॉडीज ने उसकी बात ना मानी तो वो क्या। एक रशियन कमांडर उठता है, वो मार्टिन के पास आता है जिसको देखकर मार्टिन डर जाता है और डर से कांपना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि काफी लंबा और चौड़ा जो उस वक्त में एक शैतान था। लेकिन ये देखकर मार्टिन को काफी तसल्ली हो गई कि वो लोग उसे अपना लीडर समझ रहे हैं। हर्ज़ोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सुबह हो जाती है। उसके बाद उसके सामने आता है मार्टिन। उसके साथ रशियन ज़ॉम्बीज की पूरी टीम थी। हर्ज़ोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मार्टिन के साथ वो इतनी बड़ी फौज देखता है रशियन आर्मी की। वो ये देख रहा होता है और साथ मार्टिन अपना वो हाथ भी दिखाता है जो कि हर्ज़ोग का। वही शैतान कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग को देख रहा था क्योंकि उनके दिल में इंतकाम था, वो उसे बदला देना चाहते थे। दोनों आर्मी मुकाबले के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ती है जबकि वो कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग की तरफ बढ़ता है। इस दौरान उसके रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बी सोल्जर आए और उसने उन सबको मार दी। ये सब लड़ाई देखते हुए पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते और साथ ही वो देखते हैं कि बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ रहा है जो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते वो टैंक उनकी गाड़ी को कुचल देता है। जैसे ही वो टैंक उनकी गाड़ी पर चढ़ता है वो लोग फौरन गाड़ी से बाहर आ जाते और उनकी जान बच जाती है और सब लोग एक घर में जाते हैं और वहां जाके खुद को छुपा ले। उसके बाद मार्टिन डैनियल को ऑर्डर देता है कि वो जाए और उन टैंक्स को काबू करे। उसके बाद दोनों सोल्जर्स की आपस में जंग छिड़ जाती है। ठीक उसी वक्त में मोनिका ब्लैक और ग्लेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मार्टिन की टीम काफी स्ट्रांग थी, यही वजह है कि उन नॉजीज ज़ॉम्बीज की टीम को मारते जा रहे थे। और इसके साथ ही डॉक्टर जो अपना काम कर रहा था वो जख्मी ज़ॉम्बीज को दोबारा मरहम पट्टी करके लड़ने के काबिल बना रहा था। क्योंकि दोनों सोल्जर्स की लड़ाई चल रही होती है रशियन कमांडर हर्ज़ोग को अभी मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और हर्ज़ोग की टीम आकर उसे पकड़ लेती है और हर्ज़ोग और बाकी सब लोग मिलकर उसे मार देते हैं। अब लड़ाई ने अपनी साइड पलट दी थी, अब देखने में आ रहा था कि रशियन हार रहे। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें हर्ज़ोग को मार देना चाहिए क्योंकि हर्ज़ोग ही है वो जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बी जिंदा था। अगर वो मर गया तो उसकी सारी फौज भी खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए मार्टिन हर्ज़ोग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इस लड़ाई में हर्ज़ोग मार्टिन को काफी मारता है लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था क्योंकि उसके पास भी हर्ज़ोग का एक हाथ था। डैनियल जो कि टैंक के पास आया था टैंक में घुसता है और वहां पर दो सोल्जर को मार देता है। जैसे ही टैंक उस घर में घुसता है वो दोनों टैंक पर चढ़ जाते हैं और बाहर जो दूसरी जंग छिड़ी हुई थी उनमें रशियन मारे जाते और सारे नॉजीज जिंदा बच जाते हैं। रशियंस में सिर्फ 3 लोग बचते हैं जिनमें मोनिका ग्लेन और ब्लेक थे और थोड़ी ही देर बाद उन तीनों में से भी ग्लेन को मार दिया जाता है।
पाया। अब मोनिका और ब्लेक ही जिंदा रह गए थे और वो बुरी तरह फंस गई थी उन ज़ॉम्बीज़ में। और दूसरी साइड पर मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई उसी टैंक के ऊपर जारी थी। डैनियल फिर एक सोल्जर को मार देता है और किसी तरह वो उस टैंक पर काबू पा लेता है। मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई में मार्टिन एक गाड़ी पर गिर जाता है। हर्ज़ोग अभी उसको मार ही रहा होता है कि डैनियल एक टैंक में बैठता है, वो फौरन गन का रुख हर्ज़ोग की तरफ करता है और शूट करता है जिससे उसका सर उड़ जाता है। और उसके बाद हर्ज़ोग मर जाता है। और जैसे ही हर्ज़ोग मरता है उसकी सारी आर्मी उसी वक्त उसके साथ मर जाते हैं और उनके दरमियान में मोनिका और ब्लेक जो कि फंसी हुई थी वो बच जाती है और वो लोग अपनी फतह को महसूस करते और उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मिशन पूरा हो जाता है और ज़ॉम्बी सेंटर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मार्टिन वहां पे एक गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो एक कब्रिस्तान में जाता है और वहां पर वो एक कब्र पर जाता है जो कि हैना की होती है। वो कब्र को खोदता है और हैना की डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है। वो उसको जिंदा करने के लिए ये करता है। जैसे ही वो अपना हाथ हैना के ऊपर रखता है वो जिंदा हो जाती है और वो लोग फिर एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद नॉजिस डॉक्टर को हर्ज़ोग का सर मिलता है और वो सर अभी तक जिंदा होता है। उसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है।